अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से हम सब ये बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से। इट्स मी हियर किरण बैथ फ्रॉम सऊदी अरेबिया। चलिए जी, करते हैं आज के इस व्लॉग को स्टार्ट। और आज का व्लॉग होने वाला बहुत ही खूबसूरत। करते हैं अपने व्लॉग का आगाज विद द नेम ऑफ अल्लाह। और जल्दी से वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर न्यू है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि नेक्स्ट आने वाले व्लॉग आप लोगों को जो है आसानी से आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी बस मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ, आगे आगे मैं क्या करूँगी, आइए हम चलते हैं, इकट्ठे करते हैं सारे काम और आप लोग इन्जॉय कीजिए मेरे व्लॉग को एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में मैंने आते ही फटाफट से करेलों को छील लिया था, साथ ही साथ मैंने गाजरों को भी ऊपर से छील लिया इसके छिलके, क्योंकि गाजर का हलवा बनाना है मैंने। और करेले जो है ये कल सब्जियाँ सारी इकट्ठी बैद ले आए थे, इनको मैंने फ्रीज़ करना है बना के। तो यहाँ पर रात को बैद ने मैरिनेशन की थी फ़िश की, तो उसका ये लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है और अभी मैं अपने खानों में यूज़ करूँगी। तो चलिए जी, फटाफट से मैंने बाकी वाइंड अप कर लिए हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह ये भी मामा ने काट दी है, करेले भी काट दिए हैं, वो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपनी मशीनरी आज क्लीन। आज टाइम है मेरे पास थोड़ा सा, तो मैंने कहा अपने किचन की सारी जो मशीनरी हैं उनको क्लीन अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ओवन से, माइक्रोवेव से, तो इसको क्लीन अप करते हैं, और क्लीन अप करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, वरना ऐसे साथ वीडियो के साथ साथ जो है क्लीनिंग नहीं होगी। चलिए जी, मैं करती हूँ क्लीनिंग अपनी सारी आइटम्स की जो जो मशीन हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है? चलिए जी, अब बारी है इसकी। अब इसको क्लीन करने लगी हूँ, ये ऊपर जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं जब कोई चीज़ काटते हैं तो उसकी छींटे इधर पड़ती हैं, तो ये मैं क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि अभी मैंने करेले वगैरह छीले थे और गाजरें छीली हैं, तो उसकी वजह से इसके ऊपर छींटे आ गए, तो अब इसको क्लीन करते हैं। ये मैंने बिल्कुल परफेक्टली क्लीन कर लिया है अपना ओवन, और ये करने के बाद फिर इन सब के ऊपर भी एक दफ़ा मैं गीला कपड़ा फेरूँगी, ताकि ये सारी नीट एक दफ़ा बिल्कुल क्लीन अप लगे। चलिए जी, अब इसको करती हूँ, कि खाना आज नहीं बनना, रात को बैद ने फिश जो मैरिनेट की थी वो बनेगी, और साथ मैंने कल बनाया था रात के लिए आलू की भुजिया, वो भी पड़ी हुई थी, जिसने फ़िश नहीं खानी, मम्मा नहीं खाती हैं, तो मम्मा आलू की भुजिया खा लेंगी, और मैं भी अगर फ़िश आज वाली मज़े की लगी तो खाऊंगी, नहीं तो आलू की भुजिया खा लूँगी, और साथ गाजर का हलवा भी बनेगा। चलिए जी, फटाफट से क्लीनिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर इधर से भी मैं थोड़ा बहुत ना इसको भी जो है इसको भी थोड़ा सा क्लीन अप कर लेंगे, एक दफ़ा गीला कपड़ा फेर दूंगी तो सब कुछ सेट हो जाएगा, किचन बिल्कुल नीट हो जाएगा। वैसे तो क्लीन ही होता है, लेकिन एक दफ़ा फिर भी मैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर फेरती हूँ सबके ऊपर। यहाँ पर अब मैं गाजरें जो है वो कद्दूकश करने लगी हूँ, मशीन की मदद से कर रही हूँ। इसके अंदर ये इस तरह का ब्लेड होता है, जो कद्दूकश वाला ब्लेड होता है ना, वो इसके अंदर ये आसान हो जाता है, ये देखें ये वाला, इसके साथ मैं कर रही हूँ। चलिए जी, मैं पूरी करती हूँ, ये तीन रह गई थी, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि अब मैं ये करने लग गई हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मशीन्स का काम जो है वो सारा नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं, और पीछे से ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो बस अब मैं ये इसको करती हूँ जल्दी से फटाफट से, और फिर ये बनाना शुरू करते हैं। जी, यहाँ पर मेरी ये भी ग्रेड हो चुकी हुई हैं गाजरें, और इसके साथ मैंने यहाँ पर ये भी उतार दिया हुआ है फॉइल पेपर, इसका मैं क्लीन करती हूँ फटाफट से, और फिर इसके ऊपर फॉइल पेपर न्यू वाला करते हैं। चलिए जी, ये जो यहाँ पर फॉइल पेपर भी चेंज हो गया है, और अब मैंने यहाँ रख दी हैं गाजरें, ऑन करते हैं यहाँ से चूल्हा फटाफट से, और फिर गाजरों को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे साथ साथ बन रही हैं रोटियाँ और साथ ये हलवा, दोपहर का टाइम है, मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये टाइम हो गया है 2:10, तो 2:00। अब मैं खाना खाने लगी हूँ, माइदा बस 15 से 20 मिनट तक आ जाएगी, जब खाना खाती हूँ, और फिर वो माइदा ने भी आ जाना, ये स्ट्रॉबेरी जूस है सामने, मम्मा खा रही हैं। चलिए जी, ये देखें जी, अभी हो गया रात का टाइम, यहाँ पर हो रही है फ़िश फ्राई, ज़्यादा ही चस्का लग गया आपको तो फिश का चस्का खा बैठा है। ठंडा मौसम, फिश, हाँ वैसे वेदर यहाँ पे अच्छा हो गया माशाल्लाह से ना अब तो, इस दफ़ा, और इस दफ़ा दूसरी फिश है, ये देखिए लास्ट टाइम ऑरेंज ऑरेंज थी, इस दफ़ा ये वाली, अभी मेरे लास्ट टाइम जैसी बनाइएगा, ओके, क्रिस्पी क्रिस्पी।
यहाँ पर सब आ चुके हैं खाने की टेबल पर, और ये स्पेशल इसकी चटनी होती है जो हम लोग खुद घर पे बनाते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी भी आपके साथ। फ़िश की ये चटनी होती है, तो ये देखिए ये फ़िश है जो सब खाना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ यमी यमी फ़िश। चलिए जी मैं भी यहाँ पर वीडियो को करती हूँ पॉज और अपना खाना इंजॉय करती हूँ। चलिए तो अब है हलवा टाइम। सब ने हलवा खा लिया था लेकिन मुझे अभी दिल कर रहा है, अब बस सब सोने जा चुके थे, मेरा दिल किया हलवा खाने का, तो मैं किचन में आके हलवा खाने लग गई हूँ। यहाँ डाला अभी मैंने, तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और इसके अंदर वाइट वाइट जो है ये खोया बना हुआ है इसका। ये भी इसी के साथ ही बना है, सेपरेट नहीं, मैं बाज़ार से लाई थी, खुद बना हुआ है घर पर। और अभी बर्फ़ मौसम इतना प्यारा, बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठंडा हो गया पर वेदर है ना। हमारी जाली नहीं ओपन होती नेट की, होनी चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बारिश है, लेकिन अल्लाह पाक बस खैर की बारिश बरसाए। यहाँ पे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। अभी लास्ट टाइम जब लास्ट से उससे पहले एक तो लास्ट टाइम हुई है ना बारिश, जब उससे पहले जो हुई थी याद है, जब वो सामने वो लोग निकल रहे हैं। हाँ ये तो एकदम से अभी इस टाइम खड़ा हो गया, वरना तब तो इतना नहीं था। वही मैं कह रही हूँ, वही ना, अभी नज़र नहीं आ रहा व्यूअर्स को, उसको जूम करके दिखाती हूँ ज़रा, अगर नहीं नज़र आएगा वो जाली है ना इसलिए, ये देखें अगर तो थोड़ा सा नज़र आ सकता है। ये वैर नहीं हटाइए, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से ज़रा, ये देखें इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो गया एकदम से, नहीं हो रहा जा रहा है, मींस मूविंग है ना, मूविंग वाटर है। हाँ फिलहाल की तरह पैक करें, आमीन आमीन सुम आमीन। और कल हमने उमरे के लिए भी जाना है इंशाल्लाह, अल्लाह करे सुबह तक नॉर्मल हो जाए सब। दादी भी बहुत जोर जोर से गिर रही है, आसमान बहुत आसमान इस टाइम कैमरे में इतना नज़र नहीं आ रहा जिस तरह ये ना ब्लैक नज़र आ रहा है कैमरे में, लेकिन ब्लैक है नहीं एक्चुअल में, बादलों ने घेरा हुआ है बहुत ज़्यादा ना, वाइट वाइट में आ रहा है, लेकिन कैमरे के अंदर जो है ना ये देखें ब्लैक में आ रहा है। जब लाइट ये देखें, जब बिजली चमकती है तब पता चल रहा है। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ पानी, ये देखें ज़रा सामने, ये देखें कितना ज़्यादा पानी आ गया। इधर भी अगर नज़र आए ना पानी, ये देखें नीचे, अभी आपकी गाड़ी किधर खड़ी है? ये खड़ी है, ये तो अपनी गाड़ी है। वो एक्चुअली दूसरी वाली सेल हो गई है ना, तो मेरे जेन में ही नहीं था कि वो तो कान में बैठ के खड़ी है। हाँ सर्दी लग रही है उनको भी। ठंडा मौसम हो गया, बहुत ठंडा, हाथ ठंडे हो गए, बारिश हल्की थोड़ी सी कम हुई है तो वो आगे की तरफ गया, लेकिन फिर से उतनी तेज़ होना शुरू हो गई है। ये देखें पानी कितना, ये देखें आप तो, ये देखें गाड़ी वाला गुजरा तो कितना पानी नज़र आया,
देखिए सामने वाली बिल्डिंग, ये देखिए पानी, ओ हो, ये देखिए कितना बड़ा, ये देखिए इधर आके लोग रुक रहे हैं क्योंकि तो पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया है। ओ गॉड, अल्लाह पाक खैर करे सुबह तक ये पानी, ये देखे सामने, ये देखे पानी कैसे चल रहा है ज़मीन पर। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह करे अभी रुक जाए और सुबह तक पानी भी कम हो जाए। हमने भी सुबह जाना है इंशाल्लाह उमरा के लिए, अल्लाह पाक पानी पैदा करे इंशाल्लाह। अब थोड़ी कम हो रही है, अब बारिश कम हो रही है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से ये ज़रूर कम होगी बारिश और बस नॉर्मल हो जाए मौसम, हल्की हो गई है बारिश, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है या अल्लाह, ये बारिश बिल्कुल ख़त्म हो जाए अभी सुबह तक। और अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाए, जब भी बारिश हो रहमत की हो बस ये दुआ करनी चाहिए, और ये पानी जो खड़ा हुआ है ये भी बस जल्दी से खुद ही ख़त्म हो जाए, अल्लाह पाक अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुबह तक जो है ना। और किसी का कोई भी नुकसान ना हो, किसी भी किस्म का, किसी भी गाड़ी का कोई नुकसान ना हो इंशाल्लाह, मेरी दिल से दुआ है सबके लिए, क्योंकि यहाँ जद्दा में जब बारिश होती है तो बहुत नुकसान हो जाता है गाड़ियों का भी, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है पानी खड़े होने की वजह से जब इतनी हैवी बारिश हो ना, इतनी हैवी रेन हो। शुक्र है बारिश कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, अब आवाज़ भी बहुत स्लो स्लो आ रही है, ये देखें गाड़ी के ऊपर से पता चल रहा है कितना कितना गिर रहा है पानी, अब हल्की हो गई है बारिश, शुक्र है। चलिए जी, मैं भी आज के इस व्लॉग को इधर ही एंड करने लगी हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा कि हम लोग खैर आफिया से उम्र अदा करने के लिए जाएँ और ये पानी भी कम हो जाए इंशाल्लाह। फ्राइडे को हम लोग जा रहे हैं, थर्सडे का व्लॉग है जो अभी मैंने बनाया, सारा शूट किया आज का, तो फ्राइडे को हमने जाना है। चलिए जी, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को दुआओं में याद रखा करिए, अल्लाह पाक सबकी जायज़ मुरादें दिली मुरादों को कबूल फरमाए, और जब भी बारिश हो बस रहमत की बारिश अल्लाह पाक बरसाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, बाय बाय।